मुर्गी के साथ आपको चूजे जो दिख रहे हैं ये लगभग 13 से 15 दिन के चूजे हो गए। इतने सारे चूजे हैं, अभी गिनने वाले हैं कि हम ये कितने चूजे हैं, टोटल कितना कितने चूजों को संभाल रही है ये मुर्गी, क्या करेगी। चलो मैं सबसे पहले मुर्गी को पकड़ूंगा, पहले मोबाइल या इधर साइड पे रख देना पड़ेगा मुझे। चलो यहाँ पर मोबाइल रख दे रहा हूँ, अभी धीरे से ऐसे मुर्गी को पकड़ ले रहा हूँ, पकड़ कर चलो इतने सारे चूजों को उठा लिया हूँ। अभी मुर्गी देखो, चूजे देखो, मुर्गी इसके नीचे है, तो चूजे सारे इतने सारे, अभी ये चूजों को गिनेंगे कितने चूजों को संभाल रही है एक एक। इससे बेटर मेरे ख्याल से क्या होगा, एक बॉक्स ला लेते हैं यार, एक बॉक्स में सारे चूजों को गिन कर डालते हैं। चलिए अभी ये सारे चूजों को हमें पकड़ना है, ये वाले बॉक्स में डालना है गिनकर, वो सब चूजों को मैं ये बॉक्स में ले लिया हूँ। चलो अभी जल्दी से गिन लेते हैं, गिनकर मैं बाहर छोड़ता हूँ। ये देखो, ओ भाई ये इंक्यूबेटर का है क्या, इतना बड़ा हो गया है। प्यारा सा एक वाइट कलर का चूजा मैं नीचे छोड़ रहा हूँ, ये देखो ये दो, और ये वाला तीन, और ये चार, उसके बाद ये वाला एक पांच, और ये छः, और ये एक सात, और ये वाला एक आठ, नौ, देखो 10, 11, 12, 13, और ये 14, ये वाला 15, अठारह, 20, 21, 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये वाला एक 40, टोटल 40 चिक्स है दोस्त। देखते हैं ये 6 महीने तलक 40 रहेंगे या 35 बचेंगे या कितने बचेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियोस में नज़र आ जाएगा। इंक्यूबेटर में देखो कितने सारे चूजे निकले, गिनने की कोशिश करते हैं हम। 3, 3, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 चिक्स निकले हैं दोस्त टोटल, और भी ये सारे अंडों में से चूजे निकलना बाकी है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये सारे चूजों के लिए एक अच्छा सा घर रेडी कर लेते हैं इनका। अभी यहाँ पर देखो मेरे भाई, आराम से एक बल्फ लगा दिए हम, अच्छे से पेपर बिछा दिए, मस्त घर रेडी हो गया है ये चूजों का। अभी ये चूजे देखिए कितने बड़े हो गए, ये इंक्यूबेटर में निकले से ही चूजे हैं अपने, काफ़ी ग्रोथ में नज़र आ रहे हैं, वाइट वाइट, ब्लैक ब्लैक, मस्त है ये सारे। तो इनको भी इसी तरह से हम संभालेंगे, तो उनके लिए अभी यहाँ पर ब्रूडर कहते हैं इसे, ब्रूडर को हम रेडी कर लिया, अभी ला कर चूजों को छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर देखो ये सारे चूजों को ला लिया हूँ मैं, अभी कितने चूजों को लाया हूँ ये देखो, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 चूजों को लाया हूँ, और चूजे दो चूजे निकले हुए हैं दोस्त, अभी अभी निकले हैं, उसी तरह से रखा हूँ। ये क्या कर रहा है, ये मार रहा है इसके पैर को, मार कर खाने की कोशिश कर रहा है, भूखे हो गए हैं ये चूजे। तो हम क्या करते हैं, इनको ये वाला बर्तन ले लेते हैं, ठीक है, बर्तन में क्या करते हैं, स्टार्टर फीड ले लेते हैं इनको अभी। ये देखो मैं एक गिलास स्टार्टर फीड ले लिया हूँ, इसमें डाल दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें भरती इसमें डाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे भी डाल रहा हूँ, ताकि डे ओल्ड के चूजे हैं तो थोड़ा सा नीचे भी खाएंगे दोस्ती है। चलिए अभी इस तरह से डाल दे रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर देखो ये लेक्सिन पैकेट रहेगी, लेक्सिन पाउडर की पैकेट, थोड़ी सी एक आधी चुटकी ये वाले पानी में डाल दे रहा हूँ दोस्त, पानी में घुला दूंगा मैं।
उसे एक टोकरे के नीचे देखो अभी उठाने वाले हैं। मॉर्निंग कुछ नजारा इस तरह से रहता है, ये देखो। ओ भाई 40 चिक्स को संभाल रही है ये एक मुर्गी। ये चूजों का आज 14th डे चल रहा है मेरे भाई, 13 डे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। टोटल 40 चूजे हैं जो दिख रहे हैं आपको वीडियो में, एकदम मस्त एकदम एक्टिव। इनको दाने के तौर पे क्या दे रहे हैं हम, स्टार्टर फीड दाने के तौर पे खिला रहे और पानी में ब्रूटॉन का पानी दे रहे हैं मेरे भाई। ब्रूटॉन यहाँ वाला पानी का एक कप है और इधर साइड भी पानी का एक कप है, इसमें हम ब्रूटॉन दे रहे हैं। दो दिन से ये नहीं मार रही है यार, पिछले आप ठीक दो दिन पहले का वीडियो देखे हो किस तरह से मार रही थी ये, बहुत भयानक तरीके से मार रही थी। तो आज ये नहीं मार रही है, किस्मत अच्छी है। चलो एक बार अच्छे से चूजों को देखो, 14वें दिन के चूजे कितने ग्रोथ में दिखते हैं और कितनी एक्टिविटी रहती है इनकी। अच्छे से देखो कितने साइज में रहते हैं सारे, क्योंकि आप जब मुर्गी पालन करना समझ गए हो या कर रहे हो ऑलरेडी तो बहुत यूजफुल होगी है मेरे भाई, क्योंकि मैं जो कर लेते बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो अभी मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ी देर आप अच्छे से देखिए चूजों को। चलिए देखिए ना मेरे भाई, इसके दो डोर है, एक उधर साइड से एक ये वाला। तो हम इस तरह से सिंपल कम खर्चे से मुर्गी पालन किस तरह से करना है यही सिखाते हैं दोस्त हम। तो इसीलिए जो भी भाई नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। टाइम देखो 7:15 हो रहे हैं, जल्दी से ओपन कर लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये वाली 21 इसकी हालत देखो दोस्त कुछ इस तरह से हो गई है। इसके पंख पूरे देखो कैसे हुए हैं। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टर फीड देने वाले हैं। सिर्फ स्टार्टर फीड देकर अच्छे से खिलाने वाले हैं इसको थोड़े दिन के लिए। यहाँ पर देखो अंडे देने के लिए हम टब्स इस तरह से कुछ रेडी करके रख लेते हैं दोस्त। ये साड़ी को उठा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 7 अंडे, ये देखो कितना छोटा है बिल्कुल चुनु मुनु सा। तो हम क्या कर रहे हैं 3 अंडे इसमें रख देते हैं और बाकी के ये वाले उसमें रख देते हैं। तो अभी देखो ये प्योर खुड़क हो गई है, जा रही नहीं है जहाँ से अंडा दिए वहाँ से, एकदम छोटी छोटी सी यही है। तो अभी हम क्या करते हैं इसको भी स्टार्टर फीड खिलाते हैं, देखते हैं इसका खुड़क कितने दिन में छुट जाता है। अंदर मुर्गा नहीं है मेरे भाई, तो हम इसको भी यहाँ पर डाल दिए, स्टार्टर फीड ही खा रही है अभी वो बॉक्स में स्टार्टर फीड ही है। यहाँ पर अपना वाइट वाला जो बड़ा वाला मुर्गा है उसका उसका बेटा ही यही है। तो अभी देखते हैं कुछ दिन में ये खुड़क छोड़ देगी और उसके पंख आ जाएंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियोस इम्पोर्टेंट है। अभी एक बार फार्म के पास भी आ गया हो, अपने सारे बैचेस जो है बर्ड्स जो है उनको सारों को चेक करते हैं हम। सबसे पहले चलो इसमें चलते हैं अंदर, इसके अंदर अपना 40+20 का बैच मिलके रह रहा है मेरे भाई। जो एक मुर्गी 40 चूजों को संभाली थी ना वो वाला बैच, 40 चूजों का और 20 चूजों का मिलके, यानी 40-20 कितने हो गए, 60 चूजे हो गए मेरे भाई। इसमें रहेंगे थोड़े बहुत और थोड़े बहुत उधर भी रहेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 40 वाली मुर्गी ना, 40 के बैच की मुर्गी खुड़क बन गई है, उसको हम खुड़क बिठाने वाले हैं। बट आपको याद रखना है कि इस तरह से एक मुर्गी खुड़क बैठते ही खुशी में आकर अंडों में नहीं बिठा देना है, एक बैच का इंतजार करना है मेरे भाई। यानी इस तरह के एक 3 मुर्गियां हो जाए ना, 3 से 4 मुर्गियां, तब वो 4 मुर्गियों को 3 मुर्गियों को एक ही बार बिठाना है, तब एक ही बार बच्चे में निकलेंगे और जब वो सारे बच्चे एक मुर्गी को कर दे सकते हो, नहीं तो सारे बच्चे वाले ही मुर्गियां हो जाएंगे, अंडे नहीं निकलेंगे और एक दूसरी मुर्गी के बच्चों को भोग कर मार डालेंगे। ये पूरे प्रॉब्लम्स आते हैं एक एक मुर्गी को सेपरेट सेपरेट बिठाने से, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स को ना 5 साल से मैं झेल लेते आकर ही
वो 5 साल का जो तजुर्बा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ स्टडी एक्सपीरियंस जो है वो पूरा आपको बताता हूँ। यहाँ पर दिक्कत क्या है, इधर कर पे इंतक मुझे नोड़े ना इधर शेटअप में यहाँ की मुर्गी जंप हो गई यार, हम लोग बता दूँ। हाँ, वहाँ पे खाने उतरी जैसा है, वहाँ पर जाली के ऊपर। तो यहाँ पर देखो इस तरह से हम खुड़क बिठाते जगह ना, इनको पंजे आलो, ये पिल्लल दिन लग रावत दो। अभी मेन प्रॉब्लम क्या है ना मेरे भाई, ये 40 चूजे है ना, ये 40 चूजे उधर 40+20 उधर से इधर आ जा रहे, इधर से उधर, इस तरह से खाली रह जा रहे। अगर से मुर्गियों को डिस्टर्ब कर दे, वो अभी उठ गए, वो फोड़ कर पी लेंगे अंडे, तो मुश्किल होगा मेरे भाई। तो देखो एक बार कड़ा लोपल कड़ा फोटो जिसको ना, एक फोटो ले लेते यार। एक काम करना है, वो आला वहाँ पर खुला है थोड़ा सा, इसीलिए उधर से आ रहे हैं। अरे बैग जैसी जगह ना, इतना ना जैसे करवा था। ये देखो अभी ये आ गई है, उसके अंडे चोरी कर लो रहे लग रहा है, समझ रही शायद। वो आकर देखो बैठ जा रही है वो उसकी जगह पे। ये देखो अभी बैठ जाएगी वो थोड़ी देर में। ये देखो कितना अच्छा बैठी है। और उसके बाद में ये वाली दिन की लेट ना, चलो इसको कल नया बिठाए थे, तो क्या करेगी, ये बैठेगी भाग जाएगी। वाओ मस्त बैठी है। कल आप देखिए इसको, कल नई मुर्गी को बिठाए हम, यहाँ की मुर्गी भाग गई थी इसीलिए। तो ये देखो बैठ जा रही है एडजस्ट कर कर। ओ कुछ नहीं कर रहे, बैठ जा बैठ जा, देख रहे हो इस तरह से मक्का डाले यहाँ पर, खा लेंगे पी लेंगे फिर आ जाएंगे। जगह ना मक्का वेस्ट है इतना, इसमें ही डालो बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ा नीचे ज़्यादा वेस्ट जा रहा है इसीलिए। चलिए एकदम परफेक्ट है, ये तो पूरा परफेक्ट है मेरे भाई। ये देसी का ना हमेशा परफेक्ट ही रहता है। हम दूसरे बाहर से चूजे मंगाए हैं ओरिजिनल देसी कहकर, कड़कनाथ कहकर, कुछ दिन पहले यानी 2-3 महीने हो गया है, शायद 3 महीने के पुराने हो गए वो, चलो उनमें चलते हैं। उसे यहाँ का तो क्लियर है। अभी जो निकल रहे हैं हम यहाँ से, इसमें गए थे अभी हम, जो बर्ड्स देखे हो इसमें, उधर लास्ट में अपना 40 का बैच था, अभी बकरियाँ रह रहे हैं उसमें, ठीक है, बकरियाँ इसमें थे पहले, उसमें शिफ्ट कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसमें चलते हैं, ठीक है। अपना ये मेन बड़ा पार्टीशन है यहाँ पर, देखो इसके लिए, ये वाले बैच के लिए हम क्या करें, यहाँ पर मकई डाल दिए, मकई जवारी वगैरह सब कुछ मिला कर, हरा चारा हो जाएगा अच्छे से, फीड कॉस्ट कम आने के लिए एक जरिया रहता है। अभी अंदर चलते हैं हम, अंदर चल के देखते हैं। हमेशा एक ही कोशिश करिए आप, जो भी आप आपके फार्म में ला रहे हो, नंबर वन क्वालिटी का लाने की कोशिश करिए, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा क्यों ना लगे। और हर एक बात ध्यान करें कि वो ओरिजिनल, प्योर ओरिजिनल रहे, ताकि आपके वेदर को, आपकी कंडीशंस को झेल सके, ठीक है। तो अभी ओरिजिनल ब्रीड ही अच्छी रहती है मेरे भाई जो। और आप जहां से भी मुर्गी के चूजे ले रहे हो ना, तो आप एक काम करिए कि फुल वैक्सीनेट लाइए, ठीक है, टाइम के बाद। वैक्सीन ना टाइम पे ही देना रहता है मेरे भाई, 7वें दिन पे, 14th डे पे, 21 डे पे, 28 डे पे, 35 डे पे, इस तरह से वैक्सीन करना रहता है। हम क्या करें, 1 महीने के ऊपर के चूजे लाए हैं, तब तक वैक्सीनेशन का डेट पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। वो लाए के बाद बिना मतलब डेट, जो डेट है वो देना है, वो डेट पे नहीं दिए जैसे हम बाद में देंगे, तो वैक्सीन का असर कैसे करेगा, ज़्यादा वैक्सीन का असर नहीं करेगा, यही रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पर अभी। तो इसीलिए हमेशा क्या करिए, अच्छी ब्रीड, वैक्सीनेशन और फीड, ये 3 पे ध्यान रखिए हमेशा। 7 o'clock हो रहे हैं नाइट के, अभी मैं ड्यूटी से आ गया हूँ, मस्त थक गया हूँ यार आज तो, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करता हूँ। तो अंडे कितने निकले आज देखते हैं। देखो ये वाले टब में हम मॉर्निंग 3 अंडे रखे थे ना, एक अंडा ज़्यादा दिख रहा है, ये वाला नया अंडा दिख रहा है, तो एक अंडा इसमें निकला है। और इसमें देखो यार काफ़ी अंडे निकले, हम कितने अंडे रखे थे इसमें, 4 अंडे रखे थे ना, और 3 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं इसमें, यानी टोटल अपने पास अभी 4 इसमें मिले हैं अपन को, ये वाले मुर्गी के घर में। अंदर सज्जों पे कितने निकले ये भी देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पर सज्जे पे देखिए 3 अंडे दिए दोस्त, यानी इसमें आज कितने कल कितने पता नहीं, आज तो मेरे ख्याल से अम्मी को पूछ लेते हैं एक बार। देखिए दोस्त वो सज्जे पे के 3 अंडे निकाल लिया हूँ मैं, इसमें 6 अंडे दिख रहे हैं हमें, कितने कहाँ निकाले हैं अंडे, आज इसे 2 मूछे 2 कुर्सी पे, तो 4 अंडे हुए ना अभी, तो किधर के कल के सज्जे पे 3 थे। हाँ।
रोज वही दे रही बात। नहीं जी, अब इसमें 6 अंडे है ना, सज्जे पे के भी 2 अंडे निकाले। नहीं निकाले फिर अभी 2 मूछ हैं, तुम 2 कुर्सी पे दे आज ही से, फिर और 2 अंडे कल के, कल एक परसों के, कल का एक परसों, आज तो 4 ना। तो अभी देखिए मेरे भाई, ये 4 अंडे आज के है, आज निकले सो, और वो बॉक्सेस में अपन खुराड़े में जो देखे वो 4, टोटल 8 हो गए हैं। इसमें से एक अंडा आज का, 9 अंडे टोटल, 9 अंडे नजर आ रहे हैं आज। देखते हैं फिर कल 9 देंगे या 9 से कम होंगे या कितने देंगे। देखिए मेरे भाई, नाइट में ये सारे चूजे किस क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मेरी आवाज़ सुनकर डर कर सब एक जगह आ गए। मैं भी देखो, अभी तो 11 है, तो चलो इंक्यूबेटर में और भी चूजे निकले, वहाँ से और भी चूजों को पकड़ के ला लेते हैं। देखो एक, और ये वाला दूसरा, और ये तीसरा, और ये वाला एक चौथा, और ये वाला एक पांचवा, और ये एक छठा, एक सातवा, और ये 2 देखिए अभी अभी बिल्कुल अभी अभी निकले जैसा लग रहे हैं। कितने प्यारे से मासूम है यार।